ये दोस्तों टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं और शिवांश के पापा आ गए हैं घर पर। और देखिए आज क्या लेके आए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 12:30 बजे से। तो अभी हम ना गए हैं शिवांश और मैं भी, क्योंकि 3-4 दिन से धूप नहीं आ रही है तो इस वजह से आए नहीं। शिवांश को नहलाने में मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसको जुकाम ना लग जाए, पर आज मैंने नहला ही दिया क्योंकि मैं सोचती अगर फिर बारिश हुई तो फिर बिल्कुल भी नहीं नहला पाऊँगी और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको आज नहला दिया। और बाकी अभी हमारा काम तो हो ही गया है, अभी खाना नहीं बनाया है तो अब खाना बनाएंगे। और ऐसी मां को देखो घोड़े पे खेलता रहता है, तो नीचे मत जाइयो, खेल चल पे। तो दोस्तों खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है तो खाना बनाते हैं अब। और खाने में बनाऊंगी मैं आज दाल भात। चल अंदर चल चल चल। तो अभी बनाएंगे दाल भात। और आज कमरे में ऊपर कोई नहीं है, सब पता नहीं कहाँ गए, बाहर सुन सा लग रहा है। बाकी आज बाहर का मौसम देखिए, बिल्कुल धूप नहीं है। ये दोनों कबूतर हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं, कभी हमारे कमरे में आते हैं और नहीं तो इधर ही रहते हैं। ये देख सकते हो धूप नहीं है। अभी मैं बना रही हूँ पहले चावल, और चावल देखिए आधा सा डब्बा चावल के हम दोनों के लिए बहुत हो जाए, बल्कि बच भी जाते हैं इसमें से बच भी जाएंगे थोड़े बहुत चावल। कल के भी बचे हुए हैं, वो भी बच गए थे, फिर खाया नहीं हमने, रात को नहीं खाया। ये देख सकते हो इतने चावल में इतने से बच भी जाते हैं। दोस्तों मैं हूँ और शिवांश थोड़ा सा खाता है तो इसलिए चावल थोड़े बच जाते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं, चावल बना लेती हूँ पहले, फिर बनाऊंगी दाल। शिवांश बोल रहा है चीजी दे दो मम्मा, चीजी दे दो। क्या दूं चीजी? कहा दूं चीजी? चीजी दे दो, चीजी दे दो। तो पहले शिवांश को देते हैं चीजी। शिवांश के पापा लाए थे कल मूंगफली और गुड़ पट्टी लाए थे, तो पहले मैं इसको दे देती हूँ, फिर आराम से खाता रहेगा। और इसको नहलाया है तो मैं सोच रही हूँ अंदर ही रहे, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आता है तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ और फिर आराम से खाना बनाऊंगी, है ना शिवांश? हाँ ये है ना मेरे पास है ना, ये इसको खा, चल खाए? हाँ खा लो, अब इसको रख देंगे ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ी सी गुड़ पट्टी दे दी है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। सारे बबल्स भी कर रहे हैं उसके। अबे 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 अबे। इनका क्रिसमस डे आज मनाया जा रहा है। वाह बल खाना बन गया है, चावल बन गए और दाल अभी मैंने रखी है। और यहाँ पे आ गए डुग्गू मिष्टी। अब इन दोनों की छुट्टियाँ पड़ गई 5-6 तारीख तक। यो के नीचे गिरा दिया। हाय ये देखना क्या किया ये। छुट्टियाँ पड़ गई तुम्हारी? हाँ। कितनी तारीख तक? 6 तारीख तक। उधम हो जाओगे, पढ़ाई करोगे? नहीं। हाँ नहीं करनी पढ़ाई ठीक है। तो 6 तारीख तक तो शिवांश के साथ खेलने को हो गया, क्योंकि
आते हैं ये, पर दिन में आते हैं 2 बजे स्कूल से, उसके बाद ये फिर 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, फिर आते हैं कितने बजे, 5:30 बजे, 5 बजे उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद फिर 1 घंटे तक चाय वाय पीते हैं, है ना, उसके बाद इनकी फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए टाइम नहीं लगता। तो अब शिवांश के लिए खेलने को हो गया 6 तारीख तक, मस्ती चलती रहेगी। अरे ऐसे मत करो, उसके ऊपर मत डालो, उसके सिर में तो हमारा खाना भी बनी गया है, अब थोड़ी देर में खाएंगे, टाइम हो गया 1:30 बज गए हैं और अभी घर में कोई नहीं है, जेठी ऊपर छत में चले गए कपड़े धोने के लिए और जी और पता नहीं कहाँ गए दाल वगैरह लेने के लिए, दीदी भी उनके साथ गई। आ गया, थैंक यू। शिवांश के लिए मंगाया था मैंने नमकीन और ये चिप्स, तो जब उसको 4-5 बजे कुछ खाना होता है तो मैं ये दे देती हूँ चिप्स वगैरह। तो चलिए दोस्तों, चुका है और अब मैं खिला लेती हूँ शिवांश को, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है, तो इसलिए शिवांश को खाना खिलाते हैं। क्या हुआ, अभी शाम के 7 बज गए हैं और हम जा रहे हैं नीचे, नीचे कमरे में, अभी तक गुग्गू मिष्टी आए थे तो वो खेल रहे थे शिवांश के साथ, अब मैं और शिवांश जा रहे हैं नीचे। चल फिर आ जल्दी, छोड़ दे। यहाँ पे दीदी बना रही है सब्जी रोटी और सब्जी बना रही हूँ, हरी सब्जी बना रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं ऊपर और हम भी बनाते हैं अब डिनर। तो अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ रोटी, तो रोटी बना रही हूँ मैं कोदे की, ये देख सकते हो कोदे की रोटी बना रही हूँ। शिवांश के पापा बोल रहे थे कि चटनी और रोटी, कोदे की रोटी खाने का मन कर रहा है, तो मैंने चटनी और रोटी बनाई है और दिन की दाल बची थी तो दाल है, तो फिर बनाते हैं रोटी, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको। ये दोस्तों टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं और शिवांश के पापा आ गए घर पर, और देखिए आज क्या लेके आए, आज उनको पहाड़ी टोपी मिली, फिर से 3 हो गई अब, है ना, 3 हो गई ना, एक घर पर है, एक यही है और एक और मिल गई। शिवांश और मैंने खा लिया था, तो हम दोनों ने 9 बजे खा लिया था, क्योंकि शिवांश के पापा रोज़ बोलते हैं कि 10 बजे आऊँगा और आते हैं 10:30 या 11 बजे, तब तक रोटी सब्जी दोनों ठंडी हो जाती है, तो मैंने सोचा आज खा लेते हैं, क्योंकि आज होटल में काम रहेगा कल भी और परसों भी 1 तारीख तक, तो मैंने आज भी यही सोचा कि शायद वो देर से आएंगे, तो हमने खा लिया था, तो हो गए हैं, टाइम हो गया 10:45 हो गए, नहीं 11 बज गया, 11:01 हो गया। अब लिए जी शिवांश के पापा ने डिनर भी कर लिया है और बिस्तर भी लग गया है, तो अब हो रही है सोने की तैयारी, तो शिवांश बैठा है अपने पापा के साथ, अभी तो अभी 11:30 बज रहे हैं तो 12 बजे तक सोएगा, और अभी बैठा है अपने पापा के साथ, फोन देख रहा है अपने पापा का। शिवांश क्या हो रहा है ये, अच्छा अरे वो भी देखो वीडियो बना रहा है। ये देखिए मारता रहेगा अपने पापा को। ओ ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। शिवान कर दे बाय।